जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल सुनीता जी की किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं कटहल की लाजवाब सब्जी। वैसे तो आपने कटहल की सब्जी बहुत बार बनाई ही होगी और बहुत लोगों को कटहल की सब्जी बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, तो आज हम इसे कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। आपके घर में जिसे कटहल खाना नहीं भी पसंद होगा वो भी इसे बड़े मन से खाएंगे। आप एक बार कटहल की सब्जी इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें ले ली हैं जिन्हें हम अच्छे से वॉश करके कट कर लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ आधा किलो का कटहल लिया था जिसे हमने अच्छे से छील कर, और छीलते टाइम आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हाथों में तेल को अच्छे से ग्रीस करके इसे छीलिएगा, नहीं तो इसमें जो वाइट मटेरियल कुछ रहता है ना गोंद सा, वो आपके हाथों में चिपक जाएगा। इसके बाद हम यहाँ 5 से 6 आलू ले लेंगे। यहाँ 5 से 6 हम मीडियम साइज़ के प्याज ले लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के हम यहाँ पर टमाटर ले लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर 1 पूरा लहसुन ले लिया है, क्योंकि इस सब्ज़ी में आप जितना लहसुन का इस्तेमाल करेंगे उतनी सब्ज़ी की टेस्ट अच्छी हो जाएगी। और 1.5 इंच हम यहाँ पर अदरक का टुकड़ा ले लेंगे। 4 हमने एकदम छोटे साइज़ के यहाँ पर हरी मिर्च ले ली है। आप जितना तीखा खाते हो आप उस अनुसार इसे कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। 1 हम यहाँ पर तेज़पत्ता ले लेंगे। 2 साबुत लाल मिर्च। अब इसके बाद हम यहाँ पर मसालों में कुछ चीज़ें ले लेंगे। सबसे पहले 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हम यहाँ पर हल्दी पाउडर ले लेंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा, 6 से 7 हम यहाँ पर साबुत काली मिर्च, 2 लौंग ले लेंगे, 1 छोटी चम्मच हींग। तड़के के लिए हम 1 चम्मच यहाँ पर जीरा ले लेंगे। और इन सब चीज़ों से हम अपनी एकदम टेस्टी कटहल की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो सब्ज़ी बनाने से पहले यहाँ पर हम सब चीज़ों को एकदम अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कटहल और आलू दोनों चीज़ों को प्रेशर कुकर में डालकर अच्छे से उबलने के लिए रख देंगे 4 सीटी तक। यहाँ पर हम इसमें 1.5 कटोरी पानी ऐड कर देंगे, मतलब आधा आ जाना चाहिए, और इसे बंद करके हम गैस पर रख देंगे। और हमें इसे 4 सीटी तक अच्छे से उबाल लेना है। यहाँ पर हमें फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। तब तक साइड में हमें यहाँ पर प्याज को एकदम बारीक कट कर लेना है। यहाँ पर हम प्याज का 2 तरीके से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने टोटल 5 प्याज का इस्तेमाल किया, जिसमें से 4 प्याज को हम ऐसे बारीक कट कर लेंगे और 1 प्याज को हम जो मसाला बनाएंगे उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो हम एक पेस्ट बनाना है जिसके लिए हमने यहाँ पर 1 प्याज को ले लिया है। लहसुन और अदरक ले लेंगे, हरी मिर्च ले लेंगे, और जीरा, लौंग और काली मिर्च जो हमने ली थी ना उसको ले लेंगे। इन सब चीज़ों को हम एकदम अच्छे से पीस लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सब चीज़ों को एकदम अच्छे से पीस लिया है। इसके बाद हमें टमाटर को भी पीस लेना है। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मिक्सी जार में डालकर अच्छे से पीस लिया है। तो यहाँ पर हमारी टमाटर की प्यूरी भी बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर हमारे आलू और कटहल दोनों चीज़ एकदम अच्छे से उबल चुकी है। 4 सीटी तक हमें इसे उबाल लेना है मीडियम फ्लेम पर, और उसके बाद उबल जाने के बाद थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाएंगी। इसके बाद हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल के रख देंगे। आप कह सकते हैं ये रेसिपी छोले या फिर राजमे से इंस्पायर्ड है, क्योंकि ये कटहल की सब्ज़ी पूरी तरीके से जैसे हम छोले या राजमे बनाते हैं ना उसी तरीके से ही बनती है। तो आप एक बार इसे ज़रूर इस तरीके से बना के देखिएगा। इसके बाद हम गैस चालू करके कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। कढ़ाई के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हम इसमें 1 बड़ी चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। और इस सब्ज़ी में आप सरसों का तेल ही इस्तेमाल कीजिएगा, इससे जो सब्ज़ी का टेस्ट रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तेल के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हम इसमें लाल मिर्च, तेज़पत्ता और जीरा डाल देंगे। इन सब चीज़ों के चटक जाने के बाद हमने जो बारीक कटा हुआ प्याज रखा था हम उसे इसमें डाल देंगे, और इसे अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन होने तक कुक होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमें गैस का फ्लेम लो रखना है, और लो फ्लेम पर हम इसे एकदम अच्छे से 10 से 15 मिनट कुक कर लेंगे। और इसे हमें एकदम अच्छे से गला लेना है, और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज एकदम अच्छे से गल चुका है, एकदम अच्छे से पक चुका है। इसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। जो हमने पेस्ट बनाया था जिसमें हमने प्याज, हरी मिर्च इन सब चीज़ों को पीसा था हम वो डाल देंगे। इसके बाद मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हम धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर,
कश्मीरी लाल मिर्च, इन सब चीज़ों को डालकर इसे अच्छे से आपस में मिला लेंगे। यहाँ पर हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम मसाले और इन सब चीज़ों को अच्छे से 2 मिनट कुक होने के लिए रख देंगे। मसालों के अच्छे से पक जाने के बाद हमने जो टमाटर की प्यूरी बनाई थी हम उसे इसमें डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे भी सेम उसी तरीके से हम 2 से 3 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर फिर से हम इसे ढककर अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट कुक होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसालों ने एकदम अच्छे से तेल छोड़ दिया है और सब चीज़ें एकदम अच्छे से कुक हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा मसाला एकदम तैयार हो चुका है। इसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और यहाँ पर हम प्रेशर कुकर को गर्म होने के लिए रख देंगे। कुकर के अच्छे से गर्म होते हैं हम इसमें 1 बड़ी चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें एक एक करके हमने जो कटहल को बॉयल किया था उससे जो कटहल में थोड़ा सा कच्चापन होगा वो फ्राई करने में दूर हो जाएगा, इसलिए हम इसमें एक एक करके कटहल को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे एकदम अच्छे से चला चला कर चारों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे और यहाँ पर हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है और हाई फ्लेम पर हम इसे 5 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तब तक यहाँ साइड में जो हमने बॉईल आलू लिए थे उन्हें हम मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे। यहाँ पर हमें इसे अनइवन तरीके से मैश कर लेना है जिससे जो ग्रेवी रहेगी ना वो थोड़ी सी थिक होगी। कटहल के अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद हम इस आलू को भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से आपस में मिला लेंगे। और आपने कभी इस तरीके से कटहल की सब्ज़ी बनाई होगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं बनाई होगी तो एक बार इस तरीके से कटहल की सब्ज़ी ज़रूर बना के देखिएगा, आपके घर में ये सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इसके बाद हमने जो मसाला तैयार किया था कढ़ाई में उसे हम इसमें डालकर इसे अच्छे से आपस में मिला लेंगे। जिस पानी में हमने आलू और कटहल को बॉईल किया था उस पानी को हमने फेंकना नहीं है, उसी पानी को हम ग्रेवी में इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पर हमने टोटल 2 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है और पानी डालकर हम इसे अच्छे से आपस में मिला लेंगे। आपको जितनी ग्रेवी की थिकनेस चाहिए होगी या ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए होगी आप उस अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक और 1 छोटी चम्मच हींग डाल देंगे। हींग का इस्तेमाल हम लास्ट में करेंगे और कटहल की सब्जी में आप हींग ज़रूर डालिएगा क्योंकि कटहल से थोड़ा गैस होता है, इसलिए आप हींग का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तब तक हम उसे ढककर अच्छे से 6 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पर कुक होने के लिए रख देंगे और यहाँ पर साइड में गार्निशिंग के लिए हम यहाँ पर धनिया को बारीक कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 से 7 मिनट हमने इसे एकदम अच्छे से कुक होने के लिए रख दिया था। ग्रेवी और कटहल कुक हो चुकी है। यदि आपको ज़्यादा ग्रेवी गाढ़ी चाहिए होगी तो आप इसे 2-3 मिनट और पका लीजिएगा। तो यहाँ पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और धनिया की अच्छे से इस पर गार्निशिंग कर देंगे और यहाँ पर हमारी एकदम टेस्टी कटहल की लाजवाब सब्जी बनकर तैयार हो गई। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी में कुछ गलती लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिससे हम उन सब चीज़ों को अच्छा कर सकें। हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वो भी फ्री में, ताकि हम कुछ ऐसी आसान आसान रेसिपी आप सभी के लिए लाते रहें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय श्री श्याम, राधे राधे।